आपका ही काम कर रहा हूँ। अरे भाई दो दिन दे दे, दे दूंगा आपकी अलमारी, दो दिन करता हूँ, करता हूँ। ओके मैंने खुद देखा रंगे हाथों ऐसे किसी लड़के के साथ। हुआ क्या है? छत पर क्या कर रही थी ये? कौन ये तो जिंदा नहीं बचेगी। तू ठहर जा। नहीं 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 नहीं। तू ठहर एक मिनट। तू ठहर जा। नहीं छोडूंगा। ये है वो घर जहाँ एक बाप को अपनी बेटी पर, एक भाई को अपनी बहन पर बहुत फख्र है। जी हाँ, ये है घर रजिया सलीम का, जिन्होंने इंटरमीडिएट के रिजल्ट में पहली पोजीशन ली है। अगर मैं गलत नहीं तो आप रजिया सलीम के भाई होंगे, तो क्या कहना चाहेंगे आप अपनी बहन की कामयाबी पर? खुश हूँ, बहुत बहुत खुश हूँ। ये खुश हैं, बहुत बहुत खुश हैं। जाहिर सी बात है, खुशी की तो बात है। ये देखिए, ये हैं खुशी के आंसू, अपनी कामयाबी के, अपनी दिन रात की मेहनत के खुशी के आंसू। रजिया, पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप अपनी जैसी लड़कियों को क्या पैगाम देना चाहेंगी? कोई बात नहीं, समझ सकती हूँ मैं। रजिया के जज्बात काबू में नहीं है, जाहिर सी बात है, खुशी की बात है, इतनी बड़ी खुशी की बात है। और अब मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ एक ऐसे बाप से जो खुशी से फूले नहीं समा रहे। जी सलीम साहब, खुश तो बहुत होंगे आप। सलीम साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बदकिस्मती से आज भी हमारे मुआशरे में ऐसे वालिदैन मौजूद हैं जो बेटा और बेटी की तरबियत में, तालीम में फर्क करते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गलत करते हैं, गलत है। बेटा और बेटी हो, दोनों में फर्क तो नहीं होता, तो हमको ये वाली सोच बदलनी चाहिए। और हमें अगर हमें तरक्की करनी है तो फिर बेटियों को तो पढ़ाना होगा। जी, तो ये कहना है रजिया सलीम के वालिद का। रजिया सलीम जो कि इंटरमीडिएट के रिजल्ट्स में पहली पोजीशन लेके आई हैं, यकीनन बहुत काबिल बच्ची होंगी और हमें उम्मीद है कि